जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेवन स्टार फोजी पे। तो भाई आज का वीडियो देखे तो आप सभी लोग बहुत ही खुश हो रहे होंगे कि सर आज कहाँ इसी लोकेशन पे आप वीडियो बना रहे हो। तो भाई देखो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, देख लो जो भी SSB में भर्ती होंगे उनके लिए स्पेशली वीडियो है कि भाई देखो आपको इलेक्शन ड्यूटी में ये जो 12 आउट ड्यूटी जाती है मैं बोलता हूँ आपको TA भी मिलता है और कितना क्या फायदा होता है, क्या क्या आपकी ड्यूटीज होती हैं और कहाँ कहाँ को घूमने को मिल सकता है। तो जो लोग ये महाराष्ट्र से जो वीडियो देख रहे होंगे वो लोग तो जान गए होंगे कि मैं वीडियो कहाँ पे बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ भाई अभी नागपुर और जो भंडारा जिला है ना उसके बॉर्डर पे खड़ा हूँ। तो इधर इस साइड में भंडारा है, उस साइड में नागपुर है, ठीक है। और ये गाँव है अंबोरा, यहाँ पे अंबोरा ब्रिज के नाम से ये है, आप सर्च करके देख रहे ना आपको यूट्यूब पे या गूगल पे सब जगह मिल जाएगा अंबोरा ब्रिज, ठीक है। देखो सब लोग एक क्वेश्चन होता है सर ड्यूटी कैसी क्या होती है, इलेक्शन ड्यूटी क्या होती है। तो देखो भाई ये इलेक्शन ड्यूटी में आपको सब ये सब घूमने को मिलता है, बहुत फायदा मिलता है, ये सब आपको मौका मिलता है। देखो कैसे होता है कि जब आप इलेक्शन ड्यूटी जाते हो कहीं पे भी तो आपको नई नई जगह वहाँ पे भेजा जाता है ड्यूटी के लिए, ठीक है। तो जो लोग बोलते थे सर SSB में आप ड्यूटी के बाद फ्री हो कि नहीं हो, तो देखो भाई मेरी ड्यूटी होगी, ठीक है। ड्यूटी करने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ अभी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ से मतलब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चला जाऊं दूर कि मैं ड्यूटी के टाइम पे वापस ना पाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मतलब इतना दूर जाना है, इतना दूर रहना है, अगर कहीं जाना भी है घूमने फिरने कुछ भी करना है देखो यहीं पे पास में भी हम ड्यूटी करते हैं, ठीक है। इसके पास में देखो ये ब्रिज है, यहाँ पे घूमने फिरने आप आ सकते हो। तो ड्यूटी करने के बाद कहीं भी आप घूमने वूमने जाओ कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं होती इतनी। मतलब फौज का मतलब ये नहीं होता है कि फौज का मतलब होता है अनुशासन, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आपको जेल में बंद रखा जा रहा है, ठीक है। अनुशासन दूसरी चीज होती है और एक मतलब जेल की कैद करना वो दूसरी चीज होती है। तो यहाँ पे आपको मतलब एक अनुशासन सिखाया जाता है कि भाई आपको कहीं बाहर नहीं जाना है ड्यूटी करने के बाद, तो ये सब इसमें होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर मतलब ड्यूटी करने मतलब टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और देखो SSB में जो ड्यूटी होती है इलेक्शन ड्यूटी में बहुत भाई मजे होते हैं, और अगर वहाँ ड्यूटी करते हो वहाँ भी बहुत फायदा होता है, चाहे कोई भी फोर्स होती है किसी में भी होता है। जैसे CISF है उसमें तो भाई SSB से ज़्यादा छूट है कि आप ड्यूटी कर लिए उसके बाद चाहे आप कहीं जाओ बस अपनी ड्यूटी के टाइम पे आप हाजिर हो जाओ। तो CISF में तो SSB ज़्यादा छूट होती है, लेकिन जो CRP SSB BSF ये सब होती है थोड़ी ज़्यादा अनुशासित होती है, मतलब आर्मी की तरह थोड़ी ज़्यादा होती है। CISF एक सिविल फोर्स की तरह काम करती है, ठीक है। तो देखो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताता चाहता था कि भाई आपकी ड्यूटी के टाइम पर आप कैसे फ्री रह सकते हो, क्या क्या घूम सकते हो, क्या कर सकते हो। और इस वीडियो में देखो हम बात करते हैं आगे कि सैलरी के बारे में। तो देखो सैलरी क्या होती है ना कि किसी भी मतलब अभी आप बोल रहे थे ट्रेनिंग टाइम हमारी सैलरी कितनी आएगी, तो भाई मैं देखो आपको हर पोस्ट का बताता हूँ कि भाई ट्रेनिंग टाइम आपकी कितनी सैलरी आएगी। 21,700 भाई आपका बेसिक पे होने वाला है, ठीक है। पिछला मैंने एक वीडियो बना रखा था उससे पहले भी, भाई 21,700 आपका बेसिक पे हो जाएगा। बेसिक पे के बाद में जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा DA भाई अभी 53% है, ठीक है। जब आप ज्वाइन करोगे लगभग आप अगले साल तक ही ज्वाइन करोगे तो आपका DA जनवरी में और बढ़ जाना है, ठीक है। तो 3-4% DA आपका और बढ़ेगा, 56% आपका DA हो जाएगा। तो भाई 21,700 तो कम से कम आपके मान लो आप 11,000-12,000 के करीब आपका DA रहेगा। तो भाई 21,700 हो गए तो 22,000 उसको मानो और 12,000 ये मानो, तो भाई 34,000 तो सीधा सीधा आपका ये हो गया, ठीक है। 34,000 तो आपका DA और बेसिक भी हो गया। इसके अलावा देखो आपका HRA होता है ना, HRA आपका होता है 10%, ठीक है। 21,700 का 10% आपका देख लो लगभग 2170 रुपये, 2200 रुपये, 2000 रुपये मांगे सो 2000 रुपये आपके ये हो गए, 3400-2600 के बंदे को आपकी राशन मनी होती है वो होती है लगभग 4400-4500 रुपये होती है, ठीक है। तो भाई 36 और 4 40 40,500 रुपये हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका HRA हो गया और TPT आपको मिलता नहीं है भाई ट्रेनिंग के टाइम पे। कुल मिला के आप ये मान के चलो अगर आप SSB में अगर हो इस वाली भर्ती में अगर आप ज्वाइन करोगे ना वहाँ पे, तो उसमें आपको कम से कम ये मान के चलो आप कि इन अकाउंट सैलरी आपके भाई 35,000 से 36,000 रुपये आएगी आपकी। मतलब मैस वैस का पैसा काट के आपका NPS काट के ना आपका लगभग 35,000 के करीब आपके इन अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। जब हम 21 में भर्ती हुए थे और 21 में जब ट्रेनिंग करे तो हमारे अकाउंट में आती थी लगभग कटपिट के जो सैलरी आती थी वो आती लगभग 30,000 के करीब। तो 21 में हुए थे तो आप देख लो 24 सैलरी, 25 में आप अगर ज्वाइन करोगे तो 4 साल हो जाएंगे। तो भाई 4 साल में सैलरी में इतना तो फर्क आएगा, 4,000 रुपये का फर्क तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी बनेगी इन अकाउंट ट्रेनिंग के टाइम पे। और जो ट्रेनिंग के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो आपकी ट्रेनिंग के बाद देखो अगर आप किसी हार्डशिप एरिया में जाते हो, अभी सपोज करो जैसे मान लो अभी इलेक्शन में आए हुए हो, तो उसमें क्या होता है ना कि मैं ये स्पेशल SSB के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर फोर्स की बात कर रहा हूँ इसमें। तो जैसे आप कहीं भी इलेक्शन में जाते हो कुछ भी करते हो तो उसमें जहाँ आप रहते हो वहाँ का आपको जो अलाउंस होता है वो तो आपको मिलता रहता है, प्लस में यहाँ का जो आपका TA मिलता है ना वो अलग से आपको मिलता रहता है। जैसे अब यहाँ का TA मिलेगा 625 रुपये पर डे होता है, ठीक है। वो TA आपको अलग से मिलता रहता है, वो चाहे किसी भी फोर्स में आप SSB CISF हर फोर्स का यही होता है रूल कि TA आपका जो मतलब जाते हो पर डे का 625 रुपये आपको मिलता है लगभग। लेकिन CRPF में आपका TA होता नहीं है, CRPF में TA मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो देखो ये आपका TA हो जाता है लगभग महीने का
18-19 हज़ार रुपये आपका पीए हो जाता है। उसके बाद देखो जो जिस भी स्टेट में जाते थे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ पैसा देती है इलेक्शन में, जैसे मान लो कई स्टेट ज़्यादा देते हैं कुछ स्टेट में कम देते हैं, तो सभी स्टेट का लगभग अलग अलग सीन होता है किसी स्टेट में कितना देते हैं, लेकिन लगभग मान के चलो आप पर डे का हर स्टेट का मान के चलो आप कि लगभग 200-300 रुपये पर डे होता है हर स्टेट का, लगभग होता है 200-300 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ी गाड़ी वाड़ी आ रही है तो उसके चक्कर से वीडियो में दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम बात करें तो ये आपका हो जाता है इसमें ट्रेनिंग के बाद आपका टीवीए की प्रोसेस ये रहती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी सैलरी होती है वो सैलरी किस चीज़ में, जो कुछ वो लोग बोलते हैं कि सर हमें आने जाने का किराया मिलता है या नहीं मिलता, देखो किसी भी फोर्स में हो ना, आप चाहे SSB CRPF BSF किसी में भी हो, लेकिन उसमें क्या होता है जो LTC मिलता है कि जैसे मान लो अगर पहाड़ी एरिया में अगर आप हो तो पहाड़ी एरिया में मिलता है आपको 2 बार का। ठीक है, एक बार आने जाने एक बार हो गया, दूसरी बार आना जाना ठीक है 2 बार का आपको LTC मिलता है। उसके बाद जैसे मान लो अगर आप प्लेन एरिया में हो जाए मतलब पहाड़ वहाड़ में नहीं हो, तो वहाँ पे आपको 1 बार का LTC मिलता है, 1 बार आना जाना मिलता है सिर्फ। ठीक है, दूसरी बार नहीं मिलता है, ये आपका LTC मिलता है। LTC का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप जहाँ भी मतलब 3 AC ट्रेन का आपको किराया मिलता है, ठीक है, राजधानी का 3 AC ट्रेन का किराया मिलेगा। अगर आप एयरप्लेन से जा रहे हो तो भाई उसका भी आपको मतलब कैलकुलेशन करके राजधानी के बराबर आपको किराया दिया जाता है। उसके अलावा जो भी आपकी बस की टिकट होती है वो टिकट दी जाती है, चाहे वो कितने रुपए की टिकट हो। उसके अलावा जो आपकी ऑटो की अगर कोई स्लिप होती है ना, तो वो आपको उसका पैसा भी आपको मिलता है। ठीक है, ये आपको LTC का पैसा मिलता है। तो एडिशनल क्या मिलता है, देखो अब की बार दिवाली पे कुछ लोग बोल रहे थे सर दिवाली बोनस कितना होता है, भाई अब की बार हमारा दिवाली बोनस आया था ना वो आया था 6,900 कुछ रुपए थे। ठीक है, लगभग 7,000 रुपये मांग चलो दिवाली बोनस होता है वो, भाई हमारा बता रहा हूँ मैं तो, हमारा तो इतना आया था, लगभग सबका सेम ही होता है, लेकिन ये बेसिक पे आधारित नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल और कुछ मिलता है वो होता है आपका ड्रेस अलाउंस आपको साल का मिलता है 12,500 रुपये। ठीक है, पहले 10,000 मिलता था वो भी 12,500 हो गया, वो DA बढ़ गया था ना उसके बाद से आपका 12,500 रुपये ड्रेस अलाउंस हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो एडिशनल और क्या होता है, ये हो गया आपका दिवाली बोनस भी मिलता है और ड्रेस का हो गया आपका, तो ये सब कुछ होता है इसमें। और ट्रेनिंग के जो लोग बोलते हैं सर अगर कोई कोर्स कर लेते हैं तो सैलरी बढ़ती है, भाई कोर्स करने के बाद कोई सैलरी नहीं बढ़ती है, किसी भी कोर्स आप कोई सा भी कोर्स करके आओ सैलरी में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, कोर्स करने के बाद ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी बढ़ गई कोर्स से और सैलरी से आपका कोई वो नहीं होता है, ना कि कोर्स से आपका किसी प्रमोशन से लिंक होता है कि अगर आपने कोर्स कर लिया तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कोर्स कर लिया तो आपका प्रमोशन हो गया, कुछ भी होगा कोई मतलब नहीं होता है कोर्स वोर्स का सीन। ठीक है, तो उसमें कोई ये नहीं सोचे कि सर मैं कोर्स कर लूँ तो मेरा प्रमोशन होगा या मेरी सैलरी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो इससे कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोर्स से सैलरी और प्रमोशन कोई लिंक नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और इसका अगर आप सभी लोग बोलते हो तो यहाँ पे पुल का एक नया वीडियो पूरा हम बना के आपको दिखा देंगे पूरा वो लोग टाइप में। ठीक है, तो कमेंट करना।